सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी सतगुरु माता जी की कृपा से दासी को यह आशीर्वाद लेने का मौका मिला है दासी सतगुरु माता जी का निरंकारी राजपिता जी का और सत्संगत माँ का शुक्राना करती है कि इस निरंकार के गुण गाने का इसकी चर्चा करने का हमें ये सु अवसर मिला है संपूर्ण हरदेव में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं भक्ति करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है शिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें ना बस पाता है भक्ति करने वाला मन ही होता है सबसे निर्मल सबसे सुंदर सबसे पावन होता है सबसे उज्जवल भक्ति करने वाला मन है जन जन का हितकारी भी प्रेम दया से भरा हुआ है और बड़ा उपकारी भी भक्ति करने वाले मन को सदा ही गुरमत भाती है कहे हर देव कभी भी उसको मनमत नहीं सुहाती है हसंघर जी ऐसे ही दासी एक स्टोरी आपके चरणों में शेयर करने जा रही है ये स्टोरी है मदर टेरेसा जी की कहते हैं एक बार मदर टेरेसा कुछ रोग से पीड़ित रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता में शॉप 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 पर जाकर यानी कि दुकान दुकान जाकर चंदा इकट्ठा कर रही थी इसी सिलसिले में वह एक अमीर व्यापारी के दुकान पर पहुंची जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था जब मदर टेरेसा ने उस व्यापारी के आके अपना हाथ फैलाकर कहा कि कुछ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने के कृपा करें, तब उस व्यापारी ने मदर टेरेसा के हाथ पर पान की फीक थूक दी और अब और इस तरह अपमान कर दिया इस पर मदर टेरेसा विचलित नहीं हुई क्योंकि वह सच्ची सेविका थी उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा यह तो मेरे लिए हो गया और फिर अपना बायां हाथ आगे फैलाते हुए बड़े ही प्यार से बोली आप कृपा कर मेरे कुष्ठ रोगी भाइयों के लिए कुछ देने का कष्ट करें उस व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल क्रोधित नहीं होगा और उल्टा अपना प्यार दिखाएगा वह तुरंत मदर टेरेसा के चरणों में गिर पड़ा अपने किए की माफी मांगी और उसके बाद मदर टेरेसा की मदद भी की हाँ संघजी कहने का भाव यही है जिसके मन में इस निरंकार का ज्ञान बसा होता है जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा होता है वह मन एक मंदिर बन जाता है उसे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है उसका मन सबसे पावन सबसे निर्मल होता है सबसे वह उज्जवल होता है कहते हैं और वह सभी का भला चाहने वाला होता है और प्रेम दया से भरा हुआ होता है है और और उपकार ही करता चला जाता है और इस तरह उसके मन में हमेशा गुरु की मत ही छाई होती है उसको हमेशा गुरु की मत पर चलना ही अच्छा लगता है वह मन मत पर नहीं चलता है और वह किसी की ओर ये ध्यान नहीं देता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं क्योंकि उसके मन में प्रभु परमात्मा बसा होता है वह अच्छे ही करता है अच्छी ही है अच्छी भावना मन में रखता तो इस तरह वह प्रेम ही प्रेम बांटता चला जाता है और मानवता के भले की खातिर अपना सब सारा जीवन लगा देता है इसी तरह कहते हैं कि एक राजा था वह बहुत क्रूर था उसका एक लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा राज्यों को छीन लेना, इसी इसी श्रृंखला में में उसने, इसी चेन में उसने चेन एक राज्य पर धावा बोला सारी जनता डर के कारण तितर बितर हो गई कुछ ही घंटों में सारा राज्य सुनसान हो गया राजा ने सैनिकों को आदेश दिया जाओ और राज्य का छप्पा छप्पा छान मारो कहीं कोई प्राणी नजर आए तो उसे तलवार से मार दो आदेश पाकर सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए कुछ देर बाद वापस राजा के पास लौटे बोले महाराज सारे राज्य में सन्नाटा छाया है बस एक राजा राजा ने बस एक राजा ने गुस्से में आकर कहा बस एक क्या सैनिक बोले बस एक मंदिर में एक संत है हमने उसे मारने की धमकी भी दी पर उसे कोई डर नहीं है और ना ही उसे इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमने ये कहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता राजा ने कहा किस में है इतनी हिम्मत हमारे नाम से लोगों की आत्मा कांप जाती है फिर वह कौन है चलो हम उसका सिर कलम करेंगे यानी कि उसको मार देंगे सैनिकों के संग राजा, मंदिर में पहुंचा अपनी तलवार निकालते हुए उस संत पर गर्जा, बोला, ए फकीर क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जानता है मैं वो हूँ जो बिन, बिना बिना पलक झपके यह तलवार तेरे सीने में खोप सकता हूँ संत सहता से मुड़े चेहरे पर बड़ी शांति थी बुलंद आवाज में बोले और मैं वो हूँ जो बिना पल झपके बिना पलक झपके तुम्हारे इस वार को सहन कर सकता हूँ ऐसा सुनना था कि राजा हैरान रह गया उसका गुस्सा जो जो इतना उसके मन में गुस्सा आ रहा था उसके मन में इतना गुस्सा आ रहा था कहते हैं वो एकदम से दूर हो गया संत के पेशेंस के सामने धैर्य के सामने राजा झुकने पर लाचार हो गया उसने तलवार म्यान में डाली संत के चरणों में झुका और बिना कुछ कहे वहां से चला गया शिष्य ध्यान से अपने सतगुरु के वचनों को सुन रहा था किंतु उसके मन में उठे प्रश्नों की लहरें अब भी शांत नहीं हुई हैं। संत महापुरुष तो सर्व समृत होते हैं न मगर हम जैसे कमजोर मानव की क्या इतनी सहनशीलता स्वभाव में ला पाना क्या हमारे लिए स्वाभाविक है कहते हैं। जिस मन में यह निरंकार बस जाता है वही सहनशील बन पाता है और हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कह रहे हैं कि हमने अपने मन को विशाल बनाना है हमने सहनशील बनना है कहते हैं तब अगर हमारा मन इस निरंकार प्रभु से जुड़ेगा ये विशाल है इसके साथ जुड़कर ही विशाल बन पाएगा और तभी विशालता आएगी जब एक गुरु का ज्ञान बसा होगा और ये विशाल के साथ हमारा नाता जुड़ा होगा तो इस कहानी से भी इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिलता है सहनशील बन गया जो बंदा दुख ना उसके पास रहे कहते हैं कि जो सहनशील बन जाता है वो कायर नहीं होता वो वीर पुरुष होता है क्योंकि सहनशीलता जो है वो वीरता की निशानी होती है वो वीर पुरुषों में होती है वो संत महात्माओं में होती है संत महात्मा ही सहन कड़वे वचनों को कर सकते हैं कटु वचन साधु सहे किसी और से सहे न जाए कड़वे वचन ये संत महात्मा ही सहन कर सकते हैं क्योंकि इनका दिल बहुत विशाल होता है इनका जो नाता है ये विशाल प्रभु परमात्मा से जुड़ा होता है ये अपने आप को इतना विशाल बना लेते हैं कि किसी की बात को ध्यान ही नहीं देते हैं जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें ग्रहण कर लेती हैं और जो जिन बातों में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है उन बातों की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते हैं ये संत महात्मा बहुत ही महान होते हैं सतगुरु की शरण में आकर ही ये महानता मन में आती है तो सतगुरु यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि हमने ऐसी बोलनी है ऐसी अपनी वाणी में मधुर भाषा रखनी है इतनी मिठास रखनी है कि अगर किसी के मन में हमारे लिए कोई नफरत है कोई गुस्सा है तो हमारा हमारे प्यार की वजह से हमारे व्यवहार की वजह से उसका जो मन में गुस्सा है वो प्यार में बदल जाए आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे सच्चे बादशाह जिस तरह हमें ये भक्ति मिली है इसी तरह हमें ये भक्ति वाले गुण भी हमारे अंदर समाहित हो जाए भक्ति वाले गुण हैं प्रेम नम्रता विशालता सहनशीलता प्रेमा भक्ति ये इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं और जन जन को हम सुख पहुंचाएं और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाएं इसी तरह हम सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन गुजारते चले जाएं और जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो पूरा कर पाए जो सतगुरु की बात को मान लेता है वो सतगुरु के मन में बस जाता है कहते भी हैं जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली है जगह वही बना सकता है जो गुरु की बात को मानता है जिस तरह कहते हैं कि जो ला जो बच्चा जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानता है तो पेरेंट्स को बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है वो पेरेंट्स के मन में बस जाता है जो नालायक बच्चा होता है उसके मन में उसके लिए पेरेंट्स के मन में उस बच्चे के लिए इतना प्यार नहीं जागता जितना लायक बच्चे के लिए जागता है इसी तरह सतगुरु प्यार तो सभी को करते हैं शरण भी सभी को देते हैं लेकिन जो सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करता चला जाता है वो सतगुरु के मन में बस जाता है वो लायक सतगुरु का बच्चा बन जाता है हम भी सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करते चले जाएं और सतगुरु के लायक बच्चे बने और आशीर्वादों के पात्र बने संगत जी दासी से यह विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी उन गलतियों के लिए आप जो क्षमा करें आगे के लिए सदबुद्धि देना सदविचार देना सुमत बख्शना हाँ संगत जी सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरण करवाएगी सभी ने मिलकर सिमरण में साथ देना है तू तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मेनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं शरण हा बख्श लो बोलिए सतगुरु माता लोक्षा हर देव जी महाराज की जय निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय सास जी प्यार से कहना धन निरंकार जी